लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान जिस तरह से भागते हैं, ऐसा लगता था कि कलेक्शंस भी इसी तरह से भागेगा, लेकिन कलेक्शंस किसी तरह से रेंग रहा है बॉक्स ऑफिस पर। अगर ये कहा जाए तो कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई में ये फिल्म ऑलमोस्ट डूब चुकी है। और जिस तरह से कलेक्शंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कलेक्शंस नहीं होता तो ज्यादा बेहतर रहता, ना कि बराबर कलेक्शंस है। आमिर खान के स्टारडम की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन तक का कलेक्शंस आपको बता देता हूँ। पहले दिन 12 करोड़, दूसरे दिन 7.26 करोड़, 7 करोड़ 26 लाख, तीसरे दिन 9 करोड़, 9 करोड़, चौथे दिन इसका कलेक्शन आया 10 करोड़, 10 करोड़, पांचवें दिन 7.87 करोड़, लगभग 8 करोड़ के आसपास, और छठे दिन से कलेक्शन मात्र 2 करोड़ आया है। और 2 करोड़ के कलेक्शन के साथ इस फिल्म का टोटल जो हुआ है वो 47.83 करोड़ तक का हुआ है। 47 करोड़ 83 लाख कलेक्शंस आया है, यानी कि 50 करोड़ अभी तक नहीं हुआ है। और सातवें दिन का जो कलेक्शंस आएगा तब जाके ये फिल्म शायद 50 करोड़ टच कर पाए। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का फर्स्ट डे का जहां कलेक्शंस 51 करोड़ था, इसका 6 से 7 दिन के बाद भी कलेक्शंस 50 करोड़ टच नहीं कर रहा है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी दुखद बात है इस फिल्म के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।